हेलो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं कयामत की 72 निशानियाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था। नूर हदीस चैनल से है, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कयामत की 72 निशानियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो भी कुछ हम देख रहे हैं, तूफान, जलजले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े आजाब, ये जो भी कुछ आज हम लोग देख रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। और 72 निशानियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि देखो, कयामत के करीब एक फितने वाला ज़माना आएगा और उस फितने वाले ज़माने की 72 निशानियां हैं। और जब ये 72 निशानियां जाहिर हो जाएगी, 72 बातें हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजाब आएंगे, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, और भी तरह तरह के आजाब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होंगे। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज जो कुछ हो रहा है वो 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। आज हम एक हदीस आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें फितने की 72 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। वो हदीस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है, लफ्ज़ टू लफ्ज़ एक एक चीज़ ऐसे बयान की गई है गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आके आज के ज़माने में देख रहे थे, और एक एक चीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बयान फरमाई है। आप हदीस सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ जो आज हम देख रहे हैं अपनी आँखों से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। वो 72 निशानियाँ क्या है, ये हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएगी? नंबर एक, लोग नमाज़ें गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। आज आप देखिए कि मुसलमान की बड़ी तादाद है जो बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फिक्र ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कब बयान फरमाया कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया तो सहाबाए किराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कयामत के करीब ऐसा होगा, और फरमाया लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का अहतमाम ख़त्म हो जाएगा। नंबर दो, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है, ये 72 निशानियां हम एक एक करके आप नमाज भी छोड़ रहे हो और आप देखते चलिए अमानत कि आज ये कर सब रहे हैं। हमारे दौर में हो रहा है। नंबर बिल्कुल तीन, सही बात है भाई, सूद खाने लगेंगे। नंबर सूद चार, तो वाकई बहुत ज्यादा को आज का टाइम समझने में लगेंगे, हर मुसलमान यानी झूठ खा रहा। एक फन और हुनर बन कुछ जाएगा। लोग हैं अभी भी फॉर ऐसे जो नहीं खा एग्जांपल रहे, आज कॉमेडी देख लेकिन लीजिए, स्टैंड अप और कॉमेडी, बहुत से फनी लोग वाइंस, ऐसे भी हैं जो इसमें सूद सब ले रहे हैं झूठ मुसलमान है होने के बावजूद और लोग भी। इसको अपना हुनर बना रहे हैं। नंबर पाँच, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा, जरा सी बात पर दूसरों की जान लेंगे। बिल्कुल हो नंबर रहा है भाई, छह, जरा सा किसी ऊंची किसी कुछ कह दो बिल्डिंगें बर्दाश्त नहीं, बनाएंगे, बिल्कुल ऊंची एकदम ऊंची से भाई इमारतें बनाएंगे। नंबर गोली चल सात, जाती है, दीन आपस बेच में कर एक दूसरे दुनिया को जमा मारने के करेंगे। लिए नंबर हावी हो जाते आठ, हैं। कता रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ बदसुलूकी होगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, झूठ साफ हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फुला शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक ठाक था और अभी मर गया। खयानत करने वालों को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये बेईमान है, और जो बेईमान होगा उसको अमानतदार समझा जाएगा।
झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चों को झूठा समझा जाएगा। तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी, ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों, देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे। यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं, इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। और आज लोग देख रहे हैं कि बंदिश करते हैं, और एक नारा भी दिया जाता है कि हम दो हमारा एक। ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे बुरी नज़र से मुआशरे में देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है, कमीनों के थाट होंगे, यानी कमीने लोग बड़े थाट से और ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वजीर झूठ के आदि बन जाएंगे, यानी जो हुकूमत को चलाने वाले लोग आज के टाइम में शराफत की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अमीन खयानत करने लगेंगे, सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार है, अल्लाह महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों लिबास पहनेंगे, जो भी बताया इसमें सब कुछ वही ऐसे ही हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे, लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे और कड़वे होंगे उनके दिल। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिज़ाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पी जाएगी और जो शरई सज़ा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सुलूक करेगी जैसे लोग गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अखलाक के एतबार से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के लोग होंगे, वो हुकूमत में आ जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों के कंधों से कंधे मिलाकर जिंदगी के हर काम में चलने की कोशिश कर रही है। मर्द औरत की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेंगी। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि आज मर्दों का फैशन इस टाइप का आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो सारा ही हो रहा है। आप पता नहीं लगा पाएंगे कि औरत है कि मर्द है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमें खाई जाएगी। बाल भी ऐसे कटवा लेगा, ये तो लड़के भी स्टाइलिश नहीं, लड़कों की तो, लेकिन वो दूसरों की कसम खाएंगे। और आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। और आगे फरमाया कि सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि जैसे कि आजकल होता है कि जिनको हम जानते हैं उनको ही हम सलाम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनको हम सलाम नहीं करते। आगे फरमाया, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा, आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी, माल गनीमत को ज्याती जागीर समझा जाएगा, अमानत को लूट माल का माल समझा जाएगा। यानी किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि ये लूट का माल है, इसको लूट लेंगे। जकात को जुर्माना समझा जाएगा। आज के टाइम में 2.5% जकात होती है, लेकिन उसको भी मुसलमान ऐसे निकालता है कि क्या जकात, टेंशन लेकर उसको निकालता है। इसीलिए फरमाया कि जकात को बोझ समझा जाएगा। सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बन जाएगा। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा, आदमी अपनी माँ से बदसुलूकी करेगा, दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्त को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चुकेगा नहीं अपने फ़ायदे के लिए। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी की इताअत की जाएगी, यानी बीवी सच कह रही है या झूठ कह रही है ये बगैर सोचे समझे ये शोहर नहीं देखेगा, बस उसकी इताअत करेगा, मानेगा। बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद होगी, गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी, उनको इज्जत दी जाएगी, गाने बजाने के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। क्या मर्तबा होगा उस इंसान का जिसने पहले ही सब कुछ बता दिया, इतने ज़हीन इंसान के शोकेस में सजाया जाता है। अल्लाह ने इतना इल्म दिया उन्हें कि उन्होंने दुनिया को आने वाले जो भी होने वाला पहले ही बता दिया। रास्ते रास्ते में शराब आपको मिलेंगे,
शराबी मिलेंगे, जुल्म को फक्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी, कुरान करीम को इसलिए पढ़ा जाएगा कि लुफ्त हासिल हो, हिदायत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा, और कुरान को गाने के अंदाज में पढ़ाया जाएगा। दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी, उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे। ये 72 निशानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई 1400 साल पहले, और इन 72 चीज़ों का बयान फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये अलामत जाहिर हो तो उस वक्त तक कयामत का इंतज़ार करो। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा और दीन पर जमने के लिए एक ताकत आपके अंदर आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों जैसा भी इस वीडियो में बताया, जितना भी कुछ बताया गया है, हर एक एक बात आज सच हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन बात मुझे वो लगी कि भाई लोग माल दौलत कमाते हैं, अगर जिस तरह से हमारे नबी ने बताया है कि भाई दौलत में से अपना 2.5% जो जकात निकाली जाती है, सदका निकाले, मतलब जो भी है गरीबों के लिए वो निकाले, तो मेरे हिसाब से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन माल को सिर्फ अपना ही समझ लेते, जो अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसको गरीबों की मदद नहीं करते उसमें। तो इसीलिए आज हर कोई परेशान है, हर किसी को अपना ही मतलब, और क्या सूद लेना तो बिल्कुल आम हो गया है। हर मुसलमान जो है झूठ बोल रहा है, सूद खा रहा है, और कारी और मौलाना ये बड़े बड़े, इनके मतलब कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बेकार है, कुछ लोग अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो सभी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लगा आपको रिएक्शन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।